और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये खबर आ रही है जहां पर एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहां पर मालगाड़ी ने 15 मजदूरों को कुचल दिया है जिसमें कि उनकी मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जहां पर 15 मजदूरों की मौत हो गई है। जो सूचना मिल रही है अभी तक सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर जालना के स्टील कंपनी में कार्यरत थे और ये सभी जालना से औरंगाबाद जा रहे थे रेल रूट के माध्यम से, और यहीं बीती रात ये सभी मजदूर जो है वो सो गए थे जो ये स्टील कंपनी में काम करते थे। बताया जा रहा है लगभग 19 मजदूर थे जो कि अपने घर जा रहे थे, जालना से औरंगाबाद जा रहे थे और यहीं पर बीती रात ये सो गए थे, ये भी बताया जा रहा है इन्हीं पटरियों पर। और जब वो गहरी नींद में थे तभी सुबह सुबह 6:30 बजे के आसपास मालगाड़ी की चपेट में आ गए। दरअसल इस वक्त रेलगाड़ियां बंद है और इसी वजह से कई लोग जो मजदूर हैं वो इस वक्त रेल रूट से ही अपना रास्ता तय कर रहे हैं। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, ये मजदूर कहां से कहां तक जा रहे थे, कैसे ट्रेन की चपेट में आए, मालगाड़ी की चपेट में आए? देखिए श्वेता, अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि ये मजदूर पटरी से पैदल चलते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे या फिर जो पास वाली MIDC एरिया है वहां के काम करने वाले मजदूर है। और क्योंकि सबको एक तरह से ये भ्रम हो गया है कि ट्रेन नहीं चलती है और इसलिए शायद ये मजदूर जो के वहाँ के एक किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वहाँ आकर कहीं सो तो नहीं गए रात के वक्त, ये भी एक सवाल है। तो रेलवे प्रशासन इसकी छानबीन करने में जुटा हुआ है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि औरंगाबाद से जालना की ओर जो ये ट्रेन जाती है और नांदेड़ डिवीजन के अंडर ये पूरी ट्रेन आती है, तो वहाँ पर ये मजदूर तकरीबन 30-35 किलोमीटर औरंगाबाद शहर से जालना की ओर ये घटना हुई है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसकी पूरी छानबीन शुरू है, ये प्राथमिक जानकारी वहां पर आ रही है। जी पंकज, जो जानकारी मिल रही है, बताया ये भी जा रहा है कि ये लगभग 19 मजदूर थे जो कि अपने घर जा रहे थे, उसी बीच ये हादसा हुआ है। बहुत संभव ये रात में सो गए थे यहाँ पटरियों पर और सुबह निकलने वाले थे अपने घर के लिए। बिल्कुल श्वेता, ये हो सकता है कि जो थके हारे मजदूर है दिन भर चलते हैं, कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि सड़क के किनारे से चलते हैं, पटरी से चलते हुए अपने गांव की ओर जाते हैं, और वैसा ही यहां पर भी हो सकता है कि हुआ है कि ये जब दिन भर चले हुए हैं तो रात को पटरी पर ही उन्होंने आराम करने का तय किया या वहां पर सो गए और यही उनकी बड़ी चूक हो गई, ये भी एक उसमें से कारण हो सकता है और उसी के चलते ये घटना हुई है कि जो मजदूर वहां पर पटरी पर सोए हुए हैं ये आशंका जताई जा रही है, उसके चलते वो ट्रेन के नीचे कुचले गए। जी साथ ही जानना चाहेंगे पंकज की क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या यहां पर सिर्फ 15 ही मजदूर थे जिनकी मौत हुई है या इनके अलावा भी और मजदूर हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कुछ मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराए गए हैं। अब ये जो मजदूर गंभीर हालत में जो जानकारी आ रही है कि अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, वहाँ पर स्थान जो लोकेशन है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है वहाँ से जो जानकारी आ रही है कि तकरीबन जैसे कि 15 और 19 के बीच ये मजदूर हो सकते हैं। कुछ लोग अगर पटरी के किनारे सोए हुए हैं तो हो सकता है कि वो बच गए, कोई नीचे जख्मी हालत में पाया गया है ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर वो चल रहे थे और उसी वक्त ट्रेन पीछे से आ गई तभी उनको वहां से बचने का मौका मिला और कुछ लोग नीचे खिसक गए या वो नीचे आ गए और वो जख्मी हालत में अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो कई इसके पहलू हैं, छानबीन शुरू है, रेलवे प्रशासन इसकी छानबीन में जुटा हुआ है, जो स्थानीय प्रशासन है औरंगाबाद और जालना जो डिस्ट्रिक्ट के जो आपको रोकना चाहेंगे, मोक्षदा पाटिल SP औरंगाबाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? अभी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जालना से लगभग 19 मजदूर रेलवे पटरी का ट्रैक के बगल बगल से भुसावल जाने की कोशिश कर रहे थे और शाम रात में वो थक के थोड़ा सा पटरी पे लेट गए उनमें से कुछ लोग, और 5:15 बजे जो ट्रेन जा रही थी उनमें 15 लोगों की अनफॉर्चुनेट उसमें डेथ हो गई है।
एक आदमी इंजर्ड है और चार लोग जो है वो अभी उनको हम काउंसिल कर रहे हैं और उनसे बात करके आगे की पूछताछ कर रहे हैं। जी, तो क्या ये बताया जा रहा है सुबह 6:30 बजे की घटना है, तो क्या उस वक्त ये पटरी के ऊपर ही चल के जा रहे थे अपने घर या फिर ये सोए हुए थे, क्या इस बारे में क्या जानकारी? अभी जो लोग इंजर्ड नहीं है उनसे हम बात कर रहे हैं, वो भी इस सदमे में है। फिलहाल जो वो बता रहे हैं वो ये है कि वो अंदर अंदर की रोड से जा रहे थे, उनको पटरी दिखी, वो पटरी के पैरेलल जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने स्पॉट पे उनको जिधर जाना था उनको वहां पे पहुंच जाए करके। जी, और ये क्या मैम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर एक स्टील कोई कंपनी है, वहां फैक्ट्री में वो ये सभी मजदूर काम करते थे, तो क्या लॉकडाउन के बीच भी वहां पर काम चल रहा था? ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, अभी उसकी पूछताछ जारी है। जी, तो ये कहाँ से मजदूर जा रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे, क्योंकि दो तरह की बात आ रही है, बताया जा रहा है कोई कंस्ट्रक्शन साइट भी है वहां पर शायद ये काम करते थे। मैंने वही बताया, उसकी पूछताछ जारी है। जो लोग पीछे जिंदा है दे आर अंडर लॉट ऑफ ट्रॉमा, तो उनसे थोड़ा सा उनको काउंसिल करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेरीफाइंग द फैक्ट। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो SP औरंगाबाद मोक्षिता पाटिल हमें बता रहे थे कि फिलहाल अभी पूरे मामले में छानबीन जारी है। फिलहाल ये मजदूर कहां से कहां जा रहे थे, अपने बहुत संभव अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह सुबह ये घटना घटी है। इस बारे में और जानकारी अभी आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।